नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ शर्मा है। मेरी आगरा वासियों से यही अपील है कि स्ट्रोक एक इमरजेंसी सिचुएशन है जो कभी भी किसी को भी पड़ सकता है, और इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं और कुछ प्रिडिक्टर्स होते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स वही हैं जो लाइफस्टाइल वाले चेंजेस सबको करने होते हैं। लो कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, बीपी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, डायबिटीज नहीं होना चाहिए, खानपान ठीक होना चाहिए, थोड़ा सा मोटापा कम होना चाहिए, और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं जैसे हाइपरहोमोसिस्टिनीमिया, वैस्कुलाइटिस इत्यादि। आजकल हमारे पास कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं या कुछ ऐसे टूल्स हैं जिससे हम स्ट्रोक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसको कितने प्रतिशत आएगा। ऐसा ही एक टूल ABCDI3 है जिसपे हम हिस्ट्री लेके बता सकते हैं कि पेशेंट को स्ट्रोक पड़ने की संभावना कितनी ज्यादा है। तो मैं यही फिर से लोगों से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे टूल्स का फायदा उठाएं, ये पता लगाएं कि स्ट्रोक का रिस्क कितना है और उसके लिए जो नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं वो लें जिससे फर्दर स्ट्रोक पड़ने की संभावना न्यूनतम रहे। धन्यवाद।